हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के और इक्वेशन सब सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले जो आपने इक्वेशन सॉल्व किया था वो साइन ऑफ कैपिटल ए बाय टू वाला सॉल्व किया था, या कॉस ऑफ कैपिटल ए बाय टू सॉल्व किया था, या टेन कैपिटल ए बाय टू वाला सॉल्व किया था। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हो। तो आज हम ए स्मॉल ए वाला सॉल्व करने वाले इक्वेशन, तो देखिए कैसे करेंगे। आपको स्मॉल ऑफ कॉज ए का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि उसमें हमने कॉज ऑफ कैपिटल ए का फॉर्मूला याद किया था। तो इसमें स्मॉल कॉज ए का फॉर्मूला होता है कॉज ए प्लस कॉज बी कॉज सी डिवाइड बाय साइन बी साइन सी। तो आपको कॉज ए को किस में कन्वर्ट कर देना है, टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, क्योंकि फॉर्मूला होता है इसका वैल्यू क्या होता है, वन माइनस कॉज ए, और वन माइनस कॉज ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेना है और इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद आपके सामने ऐसा आ जाएगा साइन बी साइन सी माइनस कॉज ए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस बी कॉस सी डिवाइड बाय साइन बी साइन सी। उसके बाद देखिए आपको करना है क्या है, यहाँ पे माइनस कॉस ए लिख लेना है, और उसके बाद ये वाला जो माइनस है वो कॉमन लिख लेना, तो माइनस कॉस बी कॉस सी आ जाएगा, और माइनस में साइन बी साइन सी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और डिवाइड में तो सेम ही रहने वाला साइन बी साइन सी। उसके बाद आपको एक फॉर्मूले की टाइप में आपको बदल देना है इसको, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे अंदर में आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस सी, क्योंकि कॉस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो इसलिए हमने इसको कॉस बी प्लस सी लिखा हुआ है। उसके बाद आपके सामने एक और फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस सी का, जिसको हम कॉस एक्स प्लस कॉस वाई भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास आ जाएगा दोस्तों माइनस टू कॉस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू कॉस माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, और डिवाइड में तो आपका सेम रहेगा साइन बी साइन सी। उसके बाद हम लिखेंगे टू साइन स्क्वायर ए बाय टू इक्वल टू माइनस टू कॉस एस, क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू होता है टू एस, तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एस बच जाएगा, और बी प्लस सी माइनस ए का जो फॉर्मूला होता है वो टू एस माइनस ए बाय आ जाएगा, तो यहाँ से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस माइनस ए बच जाएगा, और डिवाइड में साइन बी साइन सी आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस वाले टू के साथ ई वाला टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर ए वाई टू इक्वल टू माइनस कॉस एस माइनस ए डिवाइड बाई साइन बी साइन सी। तो हमको साइन ए बाई टू का वैल्यू निकालना, तो हम सिंपली रूट में कर देंगे इसको। तो जब आपके पास साइन ए बाई टू का वैल्यू आ गया, तो आप सिंपली साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू का वैल्यू भी लिख सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ऑफ ए बाई टू का आपको वैल्यू प्रूव करना है, रूट में कॉस एस माइनस बी कॉस एस माइनस सी डिवाइड बाई साइन बी साइन सी। तो इसको भी आपने सेम करना है फॉर्मूले के साथ, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू वन प्लस कॉस ए, और हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, वन माइनस कॉस ए, क्योंकि फॉर्मूले में हमको यहाँ पे साइन लाना था लेकिन हमको कॉस लाना था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस किया है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस सी डिवाइड में साइन बी साइन सी। सॉल्व करने के बाद आपके सामने आ जाएगा ये वाला आपका आइडेंटिटी बन जाता है कॉस एक्स माइनस वाई का, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस सी डिवाइड में साइन बी साइन सी। तो फॉर्मूला लगाने के बाद आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा टू कॉस ए प्लस बी माइनस सी बाय टू कॉस ए माइनस बी प्लस सी बाय टू, और डिवाइड में साइन बी साइन सी। तो आपको पता है कि ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू होता है टू एस माइनस सी, तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास एस माइनस सी बच जाएगा। सेम उसी प्रकार से आपके पास ए माइनस बी प्लस सी का वैल्यू होता है टू एस माइनस सी, तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और एस माइनस बी बच जाएगा, और नीचे में साइन बी साइन सी तो रहेगा ही। तो आपको पता ही कि कॉस ए कॉस स्क्वायर था लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम कॉस ए बाई टू के वैल्यू निकालेंगे, तो ये रूट में हो जाएगा कॉस एस माइनस बी कॉस एस माइनस सी डिवाइड में साइन बी साइन सी। तो जब आपको आपके पास कॉस ए बाई टू के वैल्यू निकल गया, तो आप कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू का वैल्यू भी सिमिलरली लिख सकते हो। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो ये है कि टेन ए बाई टू इक्वल टू अंडर रूट में माइनस कॉस एस माइनस सी डिवाइड बाई कॉस टेन ए बाय टू इक्वल टू अंडर रूट में माइनस कॉस एस माइनस ए डिवाइड में कॉस एस माइनस बी कॉस एस माइनस सी। तो ये वाला तो प्रूव करना और आसान है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने ऑलरेडी साइन ए बाय टू और कॉस ए बाय टू का वैल्यू निकाल चुका है, तो इसको सिंपली इसमें फॉर्मूले में पुट कर देना, तो आपके पास ये वाला साइन बी साइन सी कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस एस माइनस ए डिवाइड में कॉस एस माइनस बी कॉस एस माइनस सी। तो जब आपके पास टेन ए बाय टू का वैल्यू निकल चुका, तो आप सिमिलरली टेन बी बाय टू और सी बाय टू का वैल्यू निकाल सकते हो। इसके बाद हमारा जो लास्ट इक्वेशन है वो ये है, अगर आपके पास मान लीजिए साइन ए का वैल्यू है टू एन साइन बी साइन सी, आपको प्रूव करना है, और एन स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ है कॉस ए कॉस एस माइनस ए कॉस एस माइनस बी कॉस एस माइनस सी, और टू एस का वैल्यू आपको पता ही है ए प्लस बी प्लस सी होता ही है।
तो आपको इसमें से कैसे प्रूव करोगे आप ये वाला इक्वेशन, तो आपको याद रखना एक फॉर्मूला होता है साइन ए इक्वल टू टू साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू। तो यहाँ पे आपको साइन ए बाय टू और कॉस ए बाय टू का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो यहाँ पे पुट कर देना टू और अंडर रूट में आ जाएगा दोनों का वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, स्क्वेयर रूट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा टू अंडर रूट में माइनस कॉस एस माइनस ए कॉस एस माइनस बी कॉस एस माइनस सी डिवाइड बाई साइन बी साइन सी का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे बी आ जाएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, तो और इसका वैल्यू हमें गिवन था क्वेश्चन में एन स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट करके एन आ जाएगा, तो इसलिए हमने इसको लिखा है साइन ए इक्वल टू टू एन डिवाइड में साइन बी साइन सी। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन प्रूव हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो सब देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।